हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने चैनल फूडी फायदे ऑफिशियल में। आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स वेज पनीर कोफ्ता। ये कोफ्ता बाकी कोफ्तों से अलग है क्योंकि इसमें काफी डिफरेंट टाइप की वेजिटेबल है, साथ में पनीर है। ये कोफ्ता इतना टेस्टी और सॉफ्ट होता है कि ये मुंह में ही घुल जाए। तो चलिए अब हम इसे बनाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। कोफ्ता बनाने के लिए चाहिए एक बड़ी कटोरी फूलगोभी कद्दूकस किया हुआ, एक बड़ी कटोरी पत्ता गोभी कद्दूकस किया हुआ, एक छोटी कटोरी गाजर कद्दूकस किया हुआ, एक शिमला मिर्च बारीक कटे हुए, एक प्याज बारीक कटे हुए, 100 ग्राम पनीर। इन सबको अच्छे से मैश कर लें। एक छोटा टुकड़ा अदरक कद्दूकस किए हुए हैं और 2 हरी मिर्च बारीक कटे हुए। इन सभी को अच्छे से मिला लेंगे। एक छोटी कटोरी बेसन, आधी कटोरी कॉर्नफ्लावर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, आधी टीस्पून बेकिंग सोडा। इन सभी को अच्छे से मिला लेना है। ध्यान रखें कि इसमें पानी बिल्कुल न डालें क्योंकि सब्जियों में ऑलरेडी पानी रहता है और नमक मिलाने से नमक पानी भी छोड़ता है। कोफ्ता को फ्राई करना है इसलिए हमें इन मटेरियल को टाइट रखना है ताकि फ्राई करते समय यह बिखरे नहीं। फ्राई करने से पहले इन कोफ्तों को इस प्रकार रेडी कर लें। आप चाहें तो इन्हें गोल, लंबा, जिस प्रकार चाहें आप बना सकते हैं। चलिए हमने इन्हें तैयार कर लिया है, अब इन्हें डीप फ्राई कर लेते हैं। इसे अच्छे से फ्राई कर लें। जैसे ही इसका कलर ब्राउन होने लगे इसे आप निकाल लीजिए। देख सकते हैं आपकी हमारे सारे कोफ्ते फ्राई कर रखे हैं। दिखने में जितने खूबसूरत लग रहे हैं खाने में उतने ही टेस्टी हैं। आप चाहें तो इन्हें आप ऐसे भी खा सकते हैं। आखिर वेज कबाब भी तो ऐसे ही बनते हैं। चलिए अब कोफ्ते की ग्रेवी बनाते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए गर्म कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल ले लें। तेल गर्म होने पर जीरा और 2 तेजपत्ता से तड़का लगा लें। एक कटोरी प्याज का पेस्ट देके अच्छे से भूनें। इन्हें मध्यम आंच पे हम तब तक भूंजेंगे जब तक इन पेस्ट का पानी सूख ना जाए और ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तकरीबन 2 बड़े चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालें। अब इन्हें 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भूनें। अब इनमें सूखे मसाले मिलाएंगे, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर, और इनको अच्छे से भूनेंगे ताकि इन मसालों का कच्चापन अच्छे से निकल जाए। एक कटोरी बारीक कटे हुए टमाटर डाल के इन मसालों को इन्हें अच्छे से भूने। ग्रेवी के लिए नमक स्वाद अनुसार। अब इन भुने हुए मसालों में पानी डाल के अच्छे से पका लें। ग्रेवी को उबाल आने पर 1 टीस्पून गरम मसाला और कसूरी मेथी
डालने के बाद इन्हें एक दो मिनट के लिए ढक ढक दें। एक से दो मिनट हो चुके हैं, मसाले को हमने ढक के पका लिए हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी ग्रेवी कितनी खूबसूरत लग रही है। अब हम इस ग्रेवी में टमाटर के कुछ बड़े टुकड़े और कोफ्ता डालेंगे। और इसी प्रकार से सारे कोफ्ते ग्रेवी में डाल दें और तीन से चार मिनट के लिए इसे ढक दें ताकि कोफ्ता ग्रेवी में अच्छे से पक जाए। तीन से चार मिनट हो चुके हैं, अब हमारे मिक्स वेज पनीर कोफ्ता बनके तैयार हैं। अब ऊपर से कुछ बारीक कटे हुए धनिया पत्ती। चलिए अब इन्हें सर्व करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे कोफ्ते कितने सॉफ्ट बने हैं, जो मुंह में जाते हैं घुल जाए। अच्छे कोफ्ते की खासियत यही है कि कोफ्ता ग्रेवी को पूरी तरह से पी लें। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें और हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी करें और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू।